नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो एक सलाद है। यूपी का टिपिकल सलाद है वो कभी भी आप बनाकर उसको एकदम इजीली आप इंजॉय कर सकते हैं। उसको बनाएंगे ना तो आपको वो सब्ज़ी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा सलाद है और बनता भी बहुत आसानी से है। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम ही चाहिए होता है और हमेशा घर में अवेलेबल भी रहता है वो इंग्रेडिएंट्स। तो आप उसको रोटी के साथ खा सकते हैं, आप उसको राइस के भी साथ खा सकते हैं, उसको एज अ स्नैक आप उसको हेल्दी वे में पापड़ के साथ उसको इंजॉय कर सकते हैं वो सलाद। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है थोड़ा सा, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, एक स्मॉल साइज़ का छोटे साइज़ का प्याज लिया है और एक हरा मिर्च लिया है। बस यही इंग्रेडिएंट्स है। नमक और राई का तेल, सरसों का तेल है। जहाँ तक कोशिश करें ना इस सलाद में सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। अगर मैं आप नहीं पसंद करते बिल्कुल भी सरसों का तेल, तो आप जो तेल यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल या कोई और तेल जो सलाद में आप यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सरसों का तेल डालना मस्ट होता है। इससे टेस्ट इसका और उभर के आता है इस सलाद का। बस इतने ही चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहले अब हमें क्या करना है, हमारे प्याज और टमाटर को इन सबको एकदम फाइन चॉप करना है। बिल्कुल भी ये जितना फाइन रहेगा ना, ये जितने ही स्मॉल पीसेस रहेंगे उतना ही अच्छा ये सलाद बनकर निकलेगा। वो सब्जी का काम करेगा वो सलाद। और मोटे मोटे पीस सबसे जो है ना ज़्यादा बारीक कट भी नहीं पाता है सब्जियां या सलाद वगैरह, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है हमारा स्लाइसर। मैं अक्सर बताया करती हूँ कि अगर मैं आपको एकदम फाइन चॉप करना है कोई भी चीज़ सब्जी वगैरह सलाद वगैरह आप हाथ से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस जगह पे स्लाइसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से स्लाइसर से एकदम फाइन आपका सब्जी कट कर निकलता है जहाँ पे आपको एकदम फाइन कट चॉपिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम स्लाइस कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाइफ लेके फिर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि ये लंबे लंबे स्लाइसेस में निकले हुए हैं, तो इसको हमें बस सिर्फ छोटा करना रहता है। तो इसको हम नाइफ से कैसे भी हम काट देंगे तो ये स्मॉल पीसेस ही रहेंगे, इसके बड़े नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से हम स्लाइसर से भी काट सकते हैं। अगर मैं आप हाथ से नहीं फाइन चॉपिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना फाइन प्याज हमारा कटा हुआ है, और इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर मैं हाथ से आप अच्छा बारीक काट लेते हैं तो हाथ से भी आप कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप चॉपिंग करें हाथ से भी। इस तरह से इतना बारीक हमें चॉप करना है, हमारे प्याज और टमाटर को दोनों ही इतना बारीक चॉप करना है। प्याज यहाँ पे देख सकते हैं इतना फाइन मैंने काट लिया है। अब हम टमाटर को भी काट लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बारीक स्लाइस निकल रहा है। इसको हम इस तरह से नाइफ से चॉप कर लेंगे, नहीं तो हाथ से भी काट सकते हैं इसको एकदम बारीक। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बारीक हाथ से भी कट गया है। इसी तरह से धनिया पत्ती भी हम काट लेंगे बारीक एकदम। और स्पाइसी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कम ज़्यादा आप कर सकते हैं हरी मिर्च। मैं यहाँ पे एक हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारा सलाद हमारा कट कर रेडी हो गया है। चलो नमक और तेल ऐड कर देते हैं इसमें। यहाँ पे हमारे सारे सब्जियों को
टमाटर, प्याज और धनिया पत्ती, हरा मिर्च को सब एक साथ में हमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें अराउंड हाफ टी स्पून हमें तेल डालना है इसमें। फिर उसके बाद हमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। इतना सिंपल है ये सलाद बनाना। इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे ना एक काम करना, बिल्कुल मत भूलना जो है नमक। नमक ज़रूर टेस्ट कर लेना, ज़रा सा भी कम रहेगा ना तो टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। नमक टेस्ट कर लेना ज़रूर। ये हमारा सलाद जो है तैयार हो गया है। कितना आसान है ये सलाद बनाना और कितने कम इंग्रेडिएंट्स में ये सलाद हमारा बनकर रेडी हो जाता है। एक बार जो दिखने में शायद एकदम सादा सिंपल सा लगा होना, लेकिन इसको एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई करना। क्योंकि एक बार जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना, तब तक आपको इसका टेस्ट जो मैं बताना चाह रही हूँ वो पता नहीं चल पाएगा। इसको ना आप अच्छे से राइस के साथ भी खा सकते हो, इसको इवनिंग स्नैक में भी ले सकते हो, ये पापड़ के साथ, पापड़ भून के, और इसको आप रोटी के साथ भी एकदम अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। ये इस तरह का सलाद है। तो ये आप ये भी बोल सकते हैं कि एक सलाद सब पे भारी है, इसका टाइटल ये जाना चाहिए। ये इस तरह का सलाद होता है। तो एक बार ज़रूर बनाकर आप लोग ट्राई करना, मस्ट ट्राई रेसिपी है ये। और इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हमें कम इंग्रेडिएंट्स, पूरे इंग्रेडिएंट्स मिलना असंभव लग रहा है, हो जाता है। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स में आप इतना अच्छा, आप बोरन और तोड़न, बोरन का काम दाल और सब्जी ग्रेवी वाली सब निकाल देगा सिर्फ और सिर्फ ये हमारा ये सलाद। आप लोगों ने देखा ना, हमारा सलाद है ना काबिले तारीफ़। कमेंट करके बताना कैसा लगा ये रेसिपी हमारा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।